अस्सलाम वालेकुम एरी मुलानो, आज अपन इयत्ता आठवी विषय मराठी यातून पाठ क्रमांक 7 धैर्य कुंतीचा ध्यास या पाठाचा अभ्यास करणार आहोत। एरी मुलानो, या पाठाचे लेखक आहे लक्ष्मण लोंढे। लक्ष्मण लोंढे ने ये पाठ ये सबक को लिखा है मेरे बच्चों। अब चलिए हम इसके शुरुआत करने से पहले जो है तो इस सबक की कहानी को मैं आपको पहले समझा देता हूँ। प्यारे बच्चों, इसमें जो है तो एक लड़का है और वो आदिवासी लड़का है, जंगल में रहने वाला है। और एक दिन अचानक जब वो जंगल में जाता है, उसको प्यास लगती है, तालाब में वो पानी पीने के लिए रुकता है और उसी वक्त में उसी क्षण में उसे जो है एक परिंदे की छाव अक्स नजर आता है पानी में। तो वो पानी पीना भी भूल जाता है और उस परिंदे को ढूंढने में, उस परिंदे की तलाश में लग जाता है और उम्र भर जो है तो परिंदे को पानी की ख्वाहिश में जो है तो अपनी जिंदगी गुजारता है। तो यहाँ पर इस सबक में जो है तो धैर्य कुंतीचा ध्यास, इसकी मीनिंग है किसी मकसद को पाने का जुनून। यहां पर जो है तो किसी मकसद को पाने का जुनून, यही पर इन्हें इस बच्चे में जो है तो उस परिंदे को पाने की चाहत थी, जुनून था और वो जिंदगी भर उसके ढूंढने की तलाश में, उसे ढूंढने की तलाश में जो है तो अपनी जिंदगी फसल कर देता है, अपनी जिंदगी खत्म कर देता है और आखिरकार मरते वक्त उसे वो परिंदा जरूर मिलता है। तो यही ये कहानी जो है तो यही कहानी सबक में बताई गई। और कहा जाता है कि कई साल पहले आदिवासी जमात में ये कहानी जो है तो इस बच्चे की कहानी मशहूर है। चलिए हम सबक का मुताला करते हैं।